आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से घर की थोड़ी सी चीज़ों में बनाएंगे, बिना कोई हरी सब्जी का, बिना लहसुन प्याज का, इतना आसान मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर एज अ स्नैक शाम को बना सकते हैं। इसे हम बिना ब्रेड, बिना मैदा का ही बनाएंगे, पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं एक कच्चे आलू और थोड़ी सी सूजी बेसन का नया नाश्ता। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है और अब डाल दीजिए 1/4 कप बेसन। तो जितना हम सूजी लेंगे उसका आधा बेसन। 4 टेबलस्पून दही डालें, कप के नाप से 1/4 कप। तो दही डालने से नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनता है। एक बार दही को ऊपर ऊपर मिला लीजिए ताकि दही फिट जाए। और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं और गाढ़ा सा मिक्स तैयार करते हैं। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स आप भी रखिएगा। टोटल मैंने अभी तक सिर्फ 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है दही के अलावा। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 मिनट के लिए नाश्ते के मिक्स को ढक के रखें ताकि सूजी बेसन फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं और अब हम बड़े छेद वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। हमें आलू के थोड़े बड़े लच्छे चाहिए। लीजिए आलू को कस लिया है। तो लीजिए आलू के लच्छे को धो लिया है। तो आलू का हम तुरंत इस्तेमाल करने वाले हैं इसलिए मैंने पानी से निकाल लिया है। अगर आप थोड़ी देर के बाद इस्तेमाल करने वाले हैं तो पानी में ही डाल के रखिएगा। और अब यहाँ पे मैंने एक छोटा पैन चढ़ाया है, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें। तो आज मैं आपको ये नाश्ता बिना लहसुन प्याज और बिना हरी सब्जी का ही बता रही हूँ। आप चाहें तो प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम कम कर दें और अब 1/2 टीस्पून जीरा डाल दें। जैसे हल्का सा जीरा चटके ना तुरंत डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 लाल या हरी मिर्च, 4 से 5 कटा हुआ करी पत्ता। एक बार मिला लें। मिलाने के बाद डाल दीजिए आलू के लच्छे। तो हाथों से पानी निकालते हुए डालें। फ्लेम को मीडियम कीजिए और 1 से 2 मिनट के लिए आलू को तड़के के साथ भून लें ताकि आलू सॉफ्ट हो जाए। ध्यान देने वाली बात, आपको नमक नहीं डालना है वरना आलू गलने लगेगा। हमें थोड़ा सा आलू को क्रंची करना है यानी 50% पका लेना है। तो लीजिए 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आलू के लच्छे को भून लिया है और क्रंची भी हो गए हैं। तो इससे ज़्यादा ना भूनें, फ्लेम बंद कर दें। 1 मिनट के लिए ठंडा कर लें। इधर 5 मिनट पे हो चुका है और देखिए बैटर कितना गाढ़ा हो गया है। थोड़ा पानी हम और डालेंगे लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से आप कुछ सेकंड के लिए मिला लें। तो लीजिए करीब 1 मिनट के लिए फेंट लिया है। तो जैसे जैसे आप फेंटेंगे ना तो देखेंगे कि बैटर थोड़ा लाइट हो गया है और थोड़ा सा ढीला हो गया है, इसलिए आप भी ज़रूर फेंटिएगा। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ में डाल दीजिए 2 चम्मच पानी और 1 चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती। तो मसालों में हमने सिर्फ काली मिर्च और गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। आपकी इच्छा हो तो 2 से 3 चुटके हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। आज मैं नहीं डाल रही हूँ। तो लीजिए हमने वापस से मिला लिया है और अब हम डाल देते हैं ये तड़केदार आलू के लच्छे। वापस मिला लें। तो बहुत ही आसान सिंपल तरीके से झटपट बनने वाला स्वादिष्ट नाश्ता दोस्तों, जो बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी भाएगा। तो लीजिए धीरे धीरे करते हुए पूरे आधा कप मैंने पानी का इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरीके का लटपट सा नाश्ते का मिक्स होगा। तो आप ये पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। तो आप सारी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं लेकिन आखिर में नमक डालिएगा और साथ में डालिएगा बहुत ही थोड़ा सा 2 से 3 चुटके बेकिंग सोडा। सोडा अच्छे से मिल जाए इसलिए 1 छोटी चम्मच पानी भी डाल दें और वापस मिला लें। तो अगर आपको स्नैक खाने का मन हो रहा है या फिर कम तेल मसालों का टेस्टी नाश्ता ब्रेकफास्ट में खाने का मन हो रहा है तो बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए नाश्ते का मिक्स हमारा तैयार है, चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं ये नाश्ता ग्रिल पैन में बनाऊंगी। आप तड़का पैन में बना सकते हैं या फिर तवे पे बना सकते हैं या फिर बड़े पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। थोड़ा सा ऑयल मैंने लगाया है और मीडियम बर्तन को गर्म कर लिया है, फ्लेम को हम कम कर देंगे
और अब एक लेडल बैटर डालते हैं। तो जब जब बैटर डालें ना, तब तब इस तरीके से चलाते हुए डालें। तो अच्छे से मैंने कोने कोने तक नाश्ते के बैटर को फैला दिया है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं फैलाएंगे, क्योंकि आलू सूजी बेसन का पकना भी ज़रूरी है। और अब बहुत ज़रूरी है कि ढकते हुए हम लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पका लें। तो लीजिए 3 मिनट हो चुका है और देखिए कितने अच्छे से बैटर ऊपर से सूख गया है, यानी नाश्ता अच्छे से अंदर तक पका है। मामूली सा हम ऑयल लगा देते हैं और धीरे से पलटी कर लेंगे। देखिए कितना आसान है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से नाश्ता रोस्ट हुआ है और कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ब्रेकफास्ट में लंच में ब्रेड देना छोड़िए और इस तरीके से पूरे परिवार के लिए आप बनाएं। देखिए गर्मा गर्म क्रिस्पी भी लगेंगी और फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता है। तो अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से 2 मिनट और पका लें। आप चाहे तो उलटने के बाद फ्लेम को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, यानी लो टू मीडियम कर सकते हैं। तो लीजिए हमने दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए पका लिया है। देखिए आप, तो पराठे जैसा कोने कोने तक पका है। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। एक बैच को बनने में मुश्किल से आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो नाश्ते को थोड़ा अलग आकार में बनाइएगा तो खाने में भी टेस्टी लगता है और प्रेजेंटेबल भी लगता है। वैसे आप पप्पे मेकर में भी बना सकते हैं। तो लीजिए कम तेल में बना टेस्टी नाश्ता तैयार है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 1/4 कप बेसन लिया है, आप चाहे तो दोनों की मात्रा बराबर कर सकते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार कम तेल मसालों में बना ऐसा नाश्ता, जिसे ब्रेकफास्ट में टिफिन बॉक्स या फिर एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 3 सूजी आलू बेसन का नाश्ता बन जाएगा। आप इसे सैंडविच भी बोल सकते हैं। तो टेस्ट और बढ़ जाए इसलिए यहाँ पे मैंने दही वाले धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। बच्चों को आप टमाटो केचप के साथ दीजिए या फिर आप कोई और चटनी के संग खाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो आज की ज़रा भी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका सूजी आलू बेसन का ये वाला नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 2 आलू का इस्तेमाल कीजिएगा और सभी चीज़ों की मात्रा दुगना कर लीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो नाश्ते को बने हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है, लेकिन ब्रेड की तरह क्रिस्पी है और देखिए बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए आप ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। दोस्तों आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय। ठीक है।